आज हमारे पास ये पोको का 9A आया है, जिसमें कि प्रॉब्लम ये है। देखिएगा प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है। ये ऑन करने पे वो एक मिनट, इसका नीचे बटन नहीं दब, ये बोर्ड नहीं दब रहा है। ऐसे आता है चार्जिंग का लोगो और बंद हो जाता है। उसके बाद मैं चार्जिंग पे भी दिखाता हूँ, चार्जिंग पे क्या दिखाता है। एक मिनट जरा भाई साहब, जरा V8 की मुझे डाटा केबल पकड़ा देना। तो मैं चार्जिंग पे भी दिखाता हूँ ये चार्जिंग पे क्या दिखाता है। चार्जिंग पे लगाया मैंने इसको, चार्जिंग पे ये कभी कभी ऑन हो जाता है और कभी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक कोई नहीं दिखाया इसने। नहीं दिखाया कुछ भी। ठीक है, और कभी सोच रहे हैं कि बैटरी के प्रॉब्लम से होता है ऐसा, तो मैं अभी आपको DC पे भी ऑन करके दिखाऊंगा ये कि चल रहा है नहीं चल रहा। चार्जिंग पे तो कुछ नहीं दिखा रहा है ये। ठीक है, दिखा रहा था कभी रेडमी लोगो लिखा होता था और बंद हो जाता था। ठीक है, चलो कोई नहीं, चार्जिंग पे कुछ नहीं दिखा। एक मिनट, दूसरी डाटा केबल देना भाई साहब, जरा जरा दूसरी डाटा केबल दे सकते हैं आप मुझे। दूसरी डाटा केबल में चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसलिए नहीं, कुछ नहीं दिखा रहा है। कुछ एम्पल दिया वहाँ इसने, तो चलो ये चार्जिंग कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, बैटरी हटा के मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ तो देखता हूँ क्या दिखाता है ये। बैटरी हटा के शायद कुछ दिखाएगा नहीं दिखाएगा। बैटरी हटा के नहीं दिखा रहा है। चलो एक बार DC पे चेक कराते हैं, DC पे क्या दिखाता है। शायद इसमें लगेगी बटन दबाना है। सुनो, तो DC पे लगा लिया मैंने, देखते हैं क्या दिखाता है। कि बटन दबाना नहीं चले वाला, वहाँ देखो बस ऐसे दिखाएगा पोको और ये बंद हो जाएगा। DC पे भी ऐसा दिखाता है। तो इसमें सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि इसका या तो iSense की कनेक्टिविटी ब्रेक है, या फिर CSP पॉजिटिव और CS नेगेटिव, या तो उसकी। तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। देखिए, मैंने एक अंदर से पावर IC के अंदर से एक माइक्रो जंपरिंग करके, आपको दिख रहा होगा तो देखिए, मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा एक। तो मैंने इसका माइक्रो जंपरिंग करके पावर IC के अंदर से निकाला है। तो मैं ये लगा देता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि ये पूरा ऑन होगा नहीं होगा। मैंने दिखा, देखिए जैसे कि वो मैंने जंपर हटा रखा था। एक मिनट, यहाँ चांदने में दिखाइए। देखिए ये जंपर लगाया है जो कि माइक्रो जंपरिंग की है पावर IC से। तो अब देखते हैं ऑन करके कि ऑन होता है नहीं होता है। और ऑन हो गया है। देखिए इसकी क्या थी, इसकी iSense, मैं अपने ग्रुप में डाल लूँ, अपने ग्रुप में डाल लूँगा, ऐसे वाले में कहीं डाला भाई ने। इसकी क्या थी, इसकी iSense वाली जो कनेक्टिविटी थी, बेड लाइन थी, वो ब्रेक थी।
पावर आईसी से जो हमारी बैटरी कनेक्टर पे आती है आईसेंस की, तो मैंने माइक्रो जंपरिंग की पावर आईसी से और हमारा काम जो है बिल्कुल सक्सेस हो गया। और थैंक यू एशिया टेलीकॉम। देखिए ओके चल रहा है एकदम, देख ले। और चार्जिंग भी देखिएगा, चार्जिंग भी खटक देसी चलेगा। देखिए चले गए, तो थैंक यू सो मच एशिया टेलीकॉम अगेन। और फॉल्ट मिला देखने को, नया सीखा कुछ, सोचा वीडियो डाल दूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, काम बहुत ज़्यादा है जब से एशिया टेलीकॉम से आया हूं, तो थोड़ी फुर्सत तो नहीं थी, लेकिन सोचा कि नया फॉल्ट है तो और भी बच्चों को सीखने को मिलेगा कि कोई और काम ना करे, ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन में सिर्फ आप उसी टॉपिक को पकड़ें जो आप जो जिस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इम्तियाज़ अली, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रात का 12:46 AM, मतलब लगभग 1 बजने वाला है। और ये फ़ोन मेरा डेड था, ठीक है, इसका डुअल डेकर का प्रॉब्लम था, दिखा देते हैं आपको। तो जैसे कि आप देखिए, हम इसका डुअल डेकर को जो है रिवॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं डुअल डेकर, अभी कुछ ही देर पहले मैंने रिवॉल्व किया है। तो एशिया टेलीकॉम से आने के बाद कुछ इस लेवल का जोश है कि रात को हम लगभग 1 बजे बैठ के डुअल डेकर हम कर रहे हैं। और ये डेट तो नहीं था, लोगों में था, लोगों को हम ठीक किए डुअल डेकर को रिवॉल्व करके, और सक्सेस हो गया। ऐसे एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट है हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इसकी इम्तियाज़ अली। और थैंक यू टू एशिया टेलीकॉम, देव सर, मिलन सर, थैंक यू सो मच। टाइमिंग फिर से देखिए, 12:46 AM। थैंक यू सो मच। फिर आए हैं कहाँ से? हरिद्वार उत्तराखंड। कहाँ से हैं आप? मैं हरिद्वार उत्तराखंड से। क्या नाम है आपका? इनाम साबिर। साबिर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आपका ये MMC के बारे में जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको सारा इंटरफेस बताया गया है, वो चीज़ें आपको कहीं और मिलेंगी क्या? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी क्या? जो चीज़ एशिया टेलीकॉम में आपको मिला है, नहीं, जो चीज़ यहाँ से आपको डिलीवर हुआ है, वो चीज़ आपको कहीं और मिलेगी? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब जो आपका बोर्ड देखने का नज़रिया है, जैसा कि पहले दिन से ही हम लोग बोलते हैं कि आपको बोर्ड देखने का नज़रिया चेंज कर देंगे, हर एक चीज़, हर एक कंपोनेंट देखने का तरीका बदल देंगे, तो बदला कि नहीं बदला? सर बिल्कुल बदल गया। पहले तो मैं इतने साल से काम करता था, तब मुझे यही नहीं पता था कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होती है, यही नहीं पता था। और अब पता लग गया। अब तो बता देंगे कंपोनेंट देख के। और बात करें कि आपका CPU देख के, अगर किसी IC के बारे में जानना हो कि आपका कौन सा पावर लगा होगा, कौन सा सेकंड पावर लगा होगा, कौन सी चार्जिंग IC हो सकती है, सब चीज़ें आपको पता है? बिल्कुल सर बिल्कुल, अब तो देखते बता देंगे, देखते बता देंगे। चेंज ही हो गया। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, मुझे किसी का दबाव नहीं है। दबाव नहीं है। और बात करते हैं आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर जो आप इसके पहले करते थे? कुछ भी नहीं था सर। कुछ नहीं था? नहीं। अभी सॉफ्टवेयर की बात करें तो अब तो मज़ा आ गया। और अब आपकी MMC जो क्लास चल रही है, हमारे चौथे दिन की क्लास है, उसमें तो बिल्कुल ही मज़ा आ गया। ब्लैक पेस्टेड की अगर मैं बात करूँ तो? ब्लैक पेस्टेड तो सर मैं पहले डरता था और ज़्यादा IP से कर देता था, ठीक है, लेकिन अब कोई डर नहीं है। अब तो मैं डायरेक्ट उतारा था, मैंने 2 अभी उठी उतारे हैं, कोई प्रिंट भी नहीं गया है। ये उतारा है अभी और एक उतारा है। तो CPU MMC दोनों आपने निकाला है? यस सर। कोई सा प्रिंट नहीं गया है? नहीं गया है। तो जैसा कि आपको माइक्रो जंपरिंग भी बताया गया, तो अगर भाई तुम्हें कोई प्रिंट आपका उखड़ भी जाता है तो आप माइक्रो जंपरिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और बात करें UFI का इंटरफेस, तो इंटरफेस सारा समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया सर। कितने फ़ोन आप आज लाइव बने हैं? स्टूडेंट ने खुद से बनाया? 10-12 फ़ोन लाइव बने हैं, जिसमें 2 मेरे थे। कितने बजे क्लास लगी है आपकी? आज सुबह 10 बजे क्लास। 10 बजे क्लास लगी है। और अभी कितना बज गया? अभी कंटिन्यू चल रही है, अभी टाइम क्या हो गया है, टाइम अभी देख पा रहे होंगे कि 4 बज रहा है। तो मतलब 10 बजे से 4 बजे के बीच में आपकी थ्योरी भी हुई है और 10 से 12 फोन स्टूडेंट ने खुद से भी बनाया है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है सर, एशिया टेलीकॉम है तो पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। हाँ। तो और क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के बारे में?
बेस्ट है एशिया टेलीकॉम, बेस्ट है। और यहाँ की टीम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? टीम तो यहाँ की सुपर है, बिल्कुल सुपर है, सुपीरियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी अपना नाम और कहाँ से है? नाम सागर। सागर जी आप हरिद्वार उत्तराखंड से हैं जी। आज हमारी किस चीज़ की क्लास थी? डबल डेकर। डबल डेकर पे प्रॉपर कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, कैसे क्लीनिंग करनी है, सारा कुछ पहले सर ने दिखाया आपको? यस सर, पहले सर ने सब कुछ बताया, कितनी हीट पे कितनी एयर पे निकालनी है। जी 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 सर, एयर हीट सब बताया गया, आयरन का भी बताया गया, क्लीनिंग के टाइम पे बिल्कुल बताया गया सर। तो ओवरऑल आपने काम किया क्या? यस सर मैंने। तो ये बोर्ड किसने दिया बताइए? ये आपकी तरफ से मिला है, एसी टेलीकॉम की तरफ से मिला है सर। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ क्लीनिंग में, रिवॉल्विंग में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं लगभग 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन डबल डेकर आता था तो मना कर देता था, मना कर देता था, लेकिन अब मना नहीं करेंगे। अभी दिल क्या कॉन्फिडेंस निकल रहा है? अब तो कॉन्फिडेंस पूरा हो गया सर, ये गोल नहीं बन पाती थी सीटी के पीछे ही वाली। ओके ओके, जिस तरह सर ने बताया बिल्कुल उस प्रोसेसर से किया है तो मस्त बनी है ये। तो पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका? बिंदास बिंदास। अगर आउटस्टैंडिंग, इससे पहले आप काम नहीं करते थे डबल डेकर? नहीं, मना करते। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आ जाएगा तो आप काम कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। किस एक्सटेंशन से आपने इसको किया? यूनिवर्सल से किया। ऐसा तो नहीं प्रॉपर एक्सटेंशन नहीं, नहीं। तो आप तो वन टाइम में कर लेते हैं, पर यहाँ पे यूनिवर्सल से आपने यूनिवर्सल से किया है। तो कैसा लग रहा है अभी? कोई भी आईसी उसको रिवॉल्व या क्लीनिंग या कर लेंगे उसको? हाँ बिल्कुल कर लेंगे सर। एक स्टूडेंट है और मैं सच बताऊँ ये हमारे पास मैं बहुत पहले से आने के लिए थे, बट कहीं समहाउ मैं पता नहीं क्यों मोहम्मद सर से बोल रहा था, क्योंकि एक तरह से एक लाइबिलिटी हो जाएगी, बट हमें एक सेकेंड के लिए भी इन्होंने महसूस नहीं होने दिया। और सच बताओ तो ये इनके लिए एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। क्या आप इनको पहले से जानते थे क्या? आप देखो ह्यूमिनिटी, मतलब वो जो होता है ना, जो ह्यूमन होता है एज अ बीन, ह्यूमन बीन, ये क्या आदमी है। ये आने के पहले दिन ही बोला था कि सर मैं इसको ले जाऊंगा, मैं इसको लाऊंगा, तो एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। मैंने आपको पहले दिन डाटा भी था इसके लिए कि तुम अपने लिए आए हो कि दूसरे के लिए आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना फोकस खो दो। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या रहा, आपने क्यों आया यहाँ पर, थोड़ा इंट्रोड्यू। सर मुझे लाइफ में कुछ करना था, बनना था, वो नॉलेज मुझे ऐसे टेलीकॉम से ही मिल सकती थी जो मैं बनना चाहता था, ठीक है, और इंस्टीट्यूट में किसी में नहीं मिलती, इसलिए मैं यहाँ आया। अच्छा यस सर। तो यहाँ पर आए बहुत इंतजार कर रहे थे? हाँ बहुत इंतजार कर सकते थे। यस सर बहुत इंतजार किया मैं, एमडी सर जानते हैं, मैं लगातार कॉल करता था इनके पास में, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समय होता है चीज़ जब ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल यस सर। तो अब मुझे बताओ आपके तो बहुत सारे वीडियो भी हमने डाले हुए हैं, आपने सीपीयू भी किया सब किया, अब तक आपको एज अ बीन कितना एक्सपीरियंस है? अब एक्सपीरियंस बहुत हो गया, पहले नहीं था। पहले नहीं था यस सर। अब मुझे बताओ कि अब पुराने एक्सपीरियंस और अभी के, इससे अभी 10-15 दिन की बात करेंगे तो कितना रखेगा? जमीन आसमान का, जमीन आसमान। अगर ये चीज एक साल पहले आते तो कैसा फील होता सर बताओ? दिल से बहुत बिंदास फील होता सर, अगर सर एमडी सर पहले आने की अनुमति देते थे। हाँ अपडेट होते, पर आपने क्या बोला एक बार याद रखना कि जो भी चीज होती है समय पर होती है ना, समय पर हुई है ना। आज जो भी अपने आउटपुट से है वो सैटिस्फाई है कि नहीं? यस सर बिल्कुल सैटिस्फाई हूं। आज डेड सेक्शन में क्या समझ में आया बताओ? सर डेड सेक्शन बिल्कुल ऐसा हो गया हलवा, और वो भी गाजर का। तो हम इसको खुद करने वाले कि नहीं करने वाले? हम चाहते ना तो डेड सेक्शन को है ना बहुत डिफिकल्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, हम चाहते तो घुमा फिरा के कर सकते थे कि ये आईसी कर लेना, हम चाहते तो 2-3-4 सेट बनाते लाइव कि ये निकाली मैंने, देखो नहीं हुआ, अब ये निकाली, अब देखो हो गया। तो आप कंफ्यूज होते कि सर ने पहले पीएम निकाली नहीं हुआ, फिर सर कह रहे पीएमएल निकालो हो गया, क्यों? हमें आईसी निकालते लगाते नहीं रहना, हम तो इन आउट से काम करेंगे। हर आईसीओ का इनपुट है और हर आईसीओ का क्या है? तो अगर हरिद्वार से, हाँ हरिद्वार से थोड़ा पास में, थोड़ा पास में। सो मैं जानना चाहूँगा कि साबिर आप 28 में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी के स्टूडेंट हो और आपने यहाँ पर एक महीना पूरा बिताया है और आपने हर घंटे हर एक दिन की क्लास अटेंड की, हर एक टीचर से पढ़े हैं, मुझसे पढ़े हैं, मिलन सर से पढ़े हैं, एमडी सर से, दीपक सर से, और इवन यहाँ तक कि जेडएक्स मलिक सर से भी आपने क्लास ली है। सो आपने ओवरऑल यहाँ पर रहना खाना सारी चीज़ यहाँ पर देखी है। बहुत सारे लोग एशिया टेलीकॉम में को जानना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि एशिया टेलीकॉम कैसा है, क्या बाकी पढ़ा पाता है कि नहीं पढ़ा पाता है, क्या उनके पास नॉलेज है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं नॉलेज नहीं देता है, सिर्फ बोलता बोलता है, चिल्लाता चिल्लाता है, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में जो कही जाती हैं, हम जानना चाहते हैं साबिर रियलिटी क्या है? रियलिटी तो सर ये देखो मैं किस कंडीशन में हूँ, और लगभग 8 साल से काम कर रहा हूँ जी जी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आया जी। एक बिंदास एक हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है जी एशिया टेलीकॉम। बिल्कुल। तो जब आप यहाँ आए तो आपने क्या फील किया पहले दिन और अब मुझे बताओ और अब के दिन में कितना अंतर है आपके में?
मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, बहुत समय से काम कर रहा हूँ। क्या लेवल पे काम करते थे आप? मैं थोड़ा एमएनसी वगैरह कर लेता, लेकिन वो तुक्केबाजी थी। जी जी। एक प्रॉपर टेक्नीशियन को जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं थी मुझे। हाँ। और मुझे आगे यहाँ वो स्टेप बाय स्टेप वो नॉलेज मिली मुझे। अच्छा। कि कैसे काम करना चाहिए, एक डेड सेट आ जाए तो उस पर क्या क्या रिसर्च करना चाहिए, डायग्नोस चार्जिंग सेट आए तो नीचे कहाँ से चालू करें, कहाँ से फॉल्ट आ सकता है, डायग्राम पढ़ना। हाँ, डायग्राम पढ़ना और सबसे मेन बात ही स्कीमेटिक पढ़ना। जी। वो मैं करता था लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था, कोडिंग नहीं समझता कि ये आईसी है तो ये लाइन कहाँ जा रही है, कैसे गिने, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, वो सब मैं पूरा सीख गया यहाँ पर आके। तो यही चाहते थे, यही सीखना चाहते थे। ये और ये पूरी चीज मिली कि नहीं मिली? सर पूरी चीज मिली यहाँ पर। यहाँ पे टीचरों का नॉलेज कैसा है? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और मैं जानना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन कैसा है यहाँ पर? डिसिप्लिन तो बहुत हार्ड है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप देखिए ना, आज हमने 11:30 बोला तो 11:30 क्लास चालू होती है कि नहीं होती है? यस सर, बिल्कुल होती है। ऐसा तो नहीं कि हम 11:30 बोल के खुद 1 बजे आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। कभी किसी भी टीचर को भाग कर हुए देखा कि क्लास हो ही नहीं हुई, टीचर को जाना है और बस क्लास बंद करो कल पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब तक बच्चे बिल्कुल अपनी संतुष्टि नहीं करते तब तक क्लास बंद नहीं होती। बहुत अच्छा, ठीक है। और ये सारी चीजें, एक बड़ी टीम का होना कितना इम्पोर्टेंट? बहुत जरूरी है। एक नॉलेजेबल, एक बंदा कभी पूरा पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता है। ऑनलाइन, ऑनलाइन क्यों नहीं किया? ऑनलाइन सर कहाँ मिल रही है नॉलेज, बताओ मुझे। आपका हैंड स्किल कैसे अच्छा होगा ऑनलाइन में? सही बात। चलो अगर आप, मैं मानता हूँ हल्की फुल्की आपने नॉलेज दे भी ली, लेकिन जो हैंड स्किल है वो कैसे ठीक करोगे आप? बिल्कुल, ये बात तो है। और 90% मामला तो हैंड स्किल पे ही होता है ना। आप अगर किसी एमएमसी की प्रोग्रामिंग कर लोगे तो लगा नहीं पाओगे तो क्या? कुछ भी नहीं है, आप उतार नहीं पाओगे, लगा नहीं पाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ इस पर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जो यहाँ आए और सर्किट डायग्राम पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बिना सर्किट डायग्राम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे देव सर ने पढ़ा है आपको हार्डवेयर के बारे में, जैसे नहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ सिर्फ थ्योरी पढ़वाई कि वही सेक्शन आपको करके दिखाया भी, करके भी दिखाया, सेक्शन वाइज पढ़ाया भी, उसके बाद आप यहाँ प्रैक्टिकल भी हुआ और आपने खुद भी किया प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल हमने खुद। आपने तो कितने सारे फोन चालू भी किए, आपने सीपीयू लगाया, लाइव पावर लगाया, डबल डेकर किया आपने लास्ट? डबल डेकर। और मैं पहले क्या करता था, अगर डबल डेकर आता ना तो मैं साफ मना कर देता, इसे ले जाओ, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कर रहे हैं? अब बिल्कुल मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा कस्टमर। और मैं जानना चाहता हूं कि नैंड प्रोग्रामिंग भी हमने आपको दी, वो कैसी लगी आपको? वो तो ब्रिलियंट लगी, ब्रिलियंट लगी। क्योंकि मेरे पास अभी भी लगभग आईफोन के 8-9 मोबाइल पड़े हैं। हां जी हां जी। मैं छेड़ता नहीं था उन्हें, क्योंकि जिसमें जो आपने बताया कोड एरर आता है, 19 पर रुक जाता है, वो सब इसी प्रॉब्लम में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप प्रोग्रामर लेंगे तो आपका काम 100% डन होगा। बिल्कुल डन। मैं सच बता रहा हूं, आपकी पोस्ट भी बहुत बहुत जल्दी देखने वाला हूं सर। मैं भेजूंगा भी जाते ही मेरे पास मेरा पूरा सेटअप कंप्लीट। नहीं, मुझे तुमसे 10 दिन में एक वीडियो चाहिए सीपीयू एमएमसी। बता रहा हूं, मेरा जो सेटअप बिल्कुल कंप्लीट है। हां जी। और मैं जाते आपको एक एमएमसी चेंज की वीडियो दूंगा। पक्का? पक्का। ठीक है, तो साबिर ने मुझसे वादा किया हुआ है, आप बिल्कुल इनको देखिएगा। साबिर अपना नंबर दीजिए प्लीज। नंबर 9149000045। और आप साबिर का एक एड्रेस भी लीजिए और दुकान का एड्रेस दीजिए थोड़ा सा पूरा। मेरी दो दुकान है जी, एक का नाम है रियान टेलीकॉम के नाम से और एक है आई स्मार्ट मोबाइल रिपेयर। अच्छा। दोनों हमारी मेन बाजार लक्सर में है, हरिद्वार में। आपकी दोनों खुद ही की आपकी हैं? हाँ, दोनों एक शाम का सेटअप है। जो कुछ काम आया था ना, जैसे आईसी का काम है, वो थोड़ा बिल्कुल सुकून के साथ में करना चाहिए। हाँ। तो एक सेटअप मेरा घर पे है। अच्छा। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है घर पे सेटअप रहते हैं ना। सेटअप रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब खाली टाइम अगर अपना काम पे देंगे तो काम पे और भी ज्यादा परफेक्ट होते हैं और एक्सपर्ट बनेंगे। कितने इंडिया में ऐसे टीचर है जिनका घर का सेटअप है? बहुत कम होते हैं सर। इंस्टीट्यूट से पढ़ाया या जहाँ भी वो पढ़ाते हैं या सिखाते हैं वहाँ से आए, उसके बाद उन्हें अपना टाइम चाहिए फैमिली के लिए, वो कभी भी प्रैक्टिस या उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। वो तो अपने आप को बस खुदा समझते हैं कि जितना है हम उतने ही खुदा हैं। एंड वो 10 से 5 वाली ड्यूटी समझते हैं कि 10 बजे जाओ और 5 बजे वापसी आ जाओ। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी। एक चीज़ और भी है ना, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई ना कि मैं परफेक्ट हो गया तो आप कभी नहीं सीख सकते। कभी नहीं है, वो तो कोई बात है। तो साबिर अभी क्या कहना चाहोगे, नया कोई आए तो? बिल्कुल आए और नॉलेज लेके जाए, बिना नॉलेज के कुछ नहीं कर सकता है। तुक्केबाजी से कभी काम नहीं चलेगा और अब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे मोबाइल आ रहे हैं मार्केट में, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, नॉलेज। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहता था जो मैं पहली बार में, मतलब पहले ही पूछ लेना था पर मैं भूल गया, कि एसर टेलीकॉम को ही क्यों चुना था तुमने? क्यों ऐसा फील हुआ कि मैं एसर टेलीकॉम को आऊँ? सर मैंने, क्योंकि देखो बाकी इंस्टीट्यूट की फीस भी कम है, एकदम बाकी इंस्टीट्यूट सिलेबस भी वही दे रहे हैं, बहुत हैं बाकी इंस्टीट्यूट वाले, हमसे पढ़ के भी गए हैं बहुत सारे। और बाकी इंस्टीट्यूट वाले क्या हो रहे हैं कि बहुत लोभ लालच भी देते हैं, वो कहते हैं कि हम चाय भी पिलाएंगे, वो कहते हैं माइक्रोस्कोप फ्री देंगे और बहुत सारी चीज़ें, मैडम हैं गोरी गोरी। सो ऐसा क्यों सर? जिन्हें नॉलेज चाहिए ना, हाँ वह
एक नॉलेजेबल इंस्टीट्यूट की तरफ जाएंगे, और जिन्हें मौज मस्ती करना है, टाइम काटना है ना, वो उधर जाएंगे जिन्होंने। सो की एक बात है, सिर्फ यही है, और यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, हमारी बात तो सुनते नहीं है, स्टूडेंट की बात तो समझिए। इनका नंबर है, आप चाहें तो पर्सनल बात भी कर सकते हैं, और इनको चेक करना है तो इन्हें फ़ोन भी भेज सकते हैं। हाँ, आने के लिए मैंने कितना वेट किया है। हाँ, बहुत वेट किया है, बात तो है। मैं खैर इसके लिए तो मैं बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ साबिर से, और मैं तो काफ़ी तारीफ भी करता हूँ इनकी, और सारे स्टूडेंट में ये सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, वन ऑफ, क्योंकि इतने के बाद लोग हार मान लेते हैं जी सर, और ये इतने लेवल पे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है, और बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, और आपका यहाँ आने के लिए और हमें सेलेक्ट करने के लिए, बस 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 खुश रहो और हमारे हमारे साथ, और आप यही चाहेंगे कि आगे भी भविष्य में हम आपका बहुत अच्छे से साथ दें, और आप हमारे साथ रहें और बहुत जल्दी बैकअप में आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।